नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एनालिसिस करेंगे तेलुगु यानी टॉलीवुड इंडस्ट्री के यूथ स्टार नितिन की सारी मूवी की और देखेंगे कितने मूवी हो चुके थे बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर वाला हिट, आखिर कितने फ्लॉप और कितने सुपरहिट हो चुके थे, पूरा जानकारी में देने वाला इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो के फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, नंबर एक में बात करते हैं मूवी जयाम की। तो दोस्तों, जयाम मूवी 2002 में आई थी और इस मूवी के जरिए नितिन अपनी करियर शुरू की थी, यानी दोस्तों फिल्म में डेब्यू किया था नितिन ने। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के आईएमडी रेटिंग की, तो दोस्तों इस फिल्म की आईएमडी रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को 81% गूगल यूजर ने लाइक किया था। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों नितिन की मूवी जयाम बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर साबित हो चुका था। नंबर दो में बात करें मूवी दिल, जो बॉक्स ऑफिस पे 2003 में दस्तक दी थी, जिसका रेटिंग था 7 out of 10 और इस फिल्म को 86% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात की जाए तो दोस्तों दिल मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक सुपर हिट साबित हो चुके थे। नंबर तीन में बात करते हैं नितिन की मूवी सांबाराम, जो 2003 में रिलीज हो चुके थे। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म की आईएमडी रेटिंग की, तो दोस्तों इस फिल्म की आईएमडी रेटिंग है 5.9 out of 10 और इस फिल्म को 86% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों नितिन की मूवी सांबाराम बॉक्स ऑफिस पे एक फ्लॉप साबित हो चुका था। नंबर चार में बात करते हैं मूवी श्री अंजनयाम की, तो दोस्तों श्री अंजनयाम जो बॉक्स ऑफिस पे 2004 में दस्तक दे चुके थे। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म की आईएमडी रेटिंग की, तो दोस्तों श्री अंजनयाम मूवी के आईएमडी रेटिंग है 7.2 out of 10 और इस फिल्म को 82% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। हालांकि दोस्तों इतने अच्छे रेटिंग मिलने के बावजूद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हो चुके थे फ्लॉप। लेकिन दोस्तों इस फिल्म को जब हिंदी डब करके यूट्यूब पे रिलीज किया गया था, इस फिल्म का नाम दिया गया था माई बॉस बजरंग बली और यूट्यूब पे इस फिल्म को बहुत ही व्यूज मिले और काफी पसंद किया गया इस फिल्म को। नंबर पांच में बात करते हैं मूवी से की, तो दोस्तों से मूवी 2004 में आई थी और इस फिल्म का रेटिंग 7.4 out of 10 और इस फिल्म को 87% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात की जाए तो दोस्तों मूवी बॉक्स ऑफिस पे हो चुके थे सुपर हिट। नंबर छह में बात करते हैं मूवी अल्लारी भल्लूदू की, तो दोस्तों अल्लारी भल्लूदू जो नितिन की मूवी 2005 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का जो रेटिंग है वो रेटिंग है 2.9 out of 10 और इस फिल्म को 78% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। वही अगर बात करें दोस्तों बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट की, तो दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ऐसे तो फ्लॉप हो चुके थे, लेकिन दोस्तों जब ये फिल्म यूट्यूब पे डब करके रिलीज किया गया था, इस फिल्म का हिंदी डबिंग नाम दिया गया था मवाली एक प्लेबॉय और इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस ने बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत की और काफी पसंद किया गया था। नंबर सात में बात करते हैं मूवी धैर्यम की, तो दोस्तों धैर्यम मूवी जो 2005 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का जो रेटिंग की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की रेटिंग थे 3.8 out of 10 और इस फिल्म को 80% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। बॉक्स ऑफिस बजट की अगर बात करें तो दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज साबित हो चुके थे। नंबर आठ में बात करते हैं मूवी राम की, तो दोस्तों नितिन की मूवी राम जो 2006 को रिलीज हो चुका था। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म की आईएमडी रेटिंग की, तो दोस्तों इस फिल्म की आईएमडी रेटिंग है 4.3 out of 10 और इस फिल्म को 77% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। बॉक्स ऑफिस बजट की अगर बात करें तो दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो चुके थे। नंबर नौ में बात करते हैं मूवी टक्करी की, तो दोस्तों टक्करी मूवी 2007 को रिलीज हो चुके थे। एक रोमांटिक मूवी थे जिसका रेटिंग था 4.5 out of 10 और इस फिल्म को 78% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। हालांकि दोस्तों ये फिल्म तेलुगु यानी टॉलीवुड इंडस्ट्री में फ्लॉप हो चुके थे, लेकिन दोस्तों जब ये फिल्म यूट्यूब पे हिंदी डब करके रिलीज किया गया था, इस फिल्म को बहुत ही अच्छे रिव्यूज मिले और बहुत ही पसंद किया गया था इस फिल्म को। नंबर 10 में बात करते हैं मूवी आधा दिश्ता की, तो दोस्तों आधा दिश्ता मूवी नितिन की जो रिलीज हो चुके थे 2008 को और इस फिल्म का जो रेटिंग की अगर बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म की रेटिंग थे 4.3 out of 10 और इस फिल्म को 81% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। और इस फिल्म को यूट्यूब पे हिंदी डब करके रिलीज किया गया था। हिंदी डब करके इस फिल्म का नाम दिया गया था डेरिंग गुंडारास। बॉक्स ऑफिस बजट की अगर बात करें तो दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज साबित हो चुका था। नंबर 11 में बात करते हैं मूवी
विक्टोरी की। तो दोस्तों विक्टोरी मूवी यूट्यूब पे हिंदी डब करके इस फिल्म का नाम दिया गया है कब्जा द माफिया रास। एक एक्शन थ्रिलर मूवी थे दोस्तों। अगर बात की जाए इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस बजट की तो दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट तो नहीं हो चुके थे, लेकिन दोस्तों एवरेज वाला बजट इस फिल्म को मिले थे। नंबर 12 में बात करते हैं नितिन की मूवी हीरो की। तो दोस्तों हीरो मूवी 2008 को रिलीज हो चुके थे बॉक्स ऑफिस पे। आईएमडी रेटिंग की अगर बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म को 3.3 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिले थे और इस फिल्म को 75% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। बॉक्स ऑफिस बजट की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हो चुके थे फ्लॉप। नंबर 13 में बात करते हैं मूवी ड्रोना की। तो दोस्तों नितिन की मूवी ड्रोना जो 2009 को रिलीज हो चुके थे एक रोमांटिक एक्शन मूवी थे दोस्तों, जिसका रेटिंग था 4.7 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को 77% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। बॉक्स ऑफिस बजट की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये मूवी तेलुगु इंडस्ट्री पे फ्लॉप साबित हुआ था। नंबर 14 में बात करते हैं मूवी अज्ञात की। तो दोस्तों अज्ञात मूवी जो एक हॉरर ड्रामा मूवी थे जो 2009 को रिलीज हो चुका था, आईएमडी रेटिंग की अगर बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म का आईएमडी रेटिंग है 2.9 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को 84% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। बॉक्स ऑफिस बजट की अगर बात करें तो दोस्तों ये मूवी तेलुगु यानी टॉलीवुड इंडस्ट्री में फ्लॉप वाला बजट अपने नाम कर लिया था। नंबर 15 में बात करते हैं 2009 की और एक मूवी रेसिपो की। तो दोस्तों रेसिपो जो एक रोमांटिक मूवी थे जिसका रेटिंग था 3.3 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को 75% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। बॉक्स ऑफिस बजट की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हो चुके थे बॉक्स ऑफिस पे। नंबर 16 में बात करते हैं नितिन की मूवी सीता रामोला कल्याणम की। तो दोस्तों सीता रामोला कल्याणम जो 2010 को रिलीज हो चुके थे एक ड्रामा एक्शन मूवी थे, जिसका अगर आईएमडी रेटिंग की अगर बात करें तो दोस्तों इस मूवी के आईएमडी रेटिंग है 4.6 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को 71% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। बॉक्स ऑफिस बजट की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये मूवी एवरेज बॉक्स ऑफिस साबित हुआ था अपने बॉक्स ऑफिस पे। नंबर 17 में बात करते हैं मूवी मारू की। तो दोस्तों नितिन की मूवी मारू जो 2011 को रिलीज हो चुका था एक एक्शन मूवी थे, जिसका आईएमडी रेटिंग की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म के आईएमडी रेटिंग है 4.7 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को 74% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। बॉक्स ऑफिस रिजल्ट की अगर बात करें तो दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हो चुका था। नंबर 18 में बात करते हैं मूवी इश्क की। तो दोस्तों नितिन की मूवी इश्क जो एक रोमांटिक लव स्टोरी मूवी है जो रिलीज हो चुके थे 2012 में, आईएमडी रेटिंग की अगर बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म को 7.3 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को 89% गूगल यूजर ने पसंद किया था। बॉक्स ऑफिस बजट की अगर बात करें तो दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक सुपरहिट मूवी साबित हुआ था। नंबर 19 में बात करते हैं मूवी गुंडा जरी गल्लन थयंदी की। तो दोस्तों मूवी गुंडा जरी गल्लन थयंदी जो रिलीज हो चुके थे 2013 में, आईएमडी रेटिंग की अगर बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म का आईएमडी रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को 83% गूगल यूजर ने लाइक किया था। बॉक्स ऑफिस बजट की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक सुपरहिट मूवी साबित हुआ था। नंबर 20 में बात करते हैं मूवी हार्ट अटैक की। तो दोस्तों नितिन की मूवी हार्ट अटैक जो 2014 को रिलीज हुआ था एक रोमांटिक मूवी थे, जिसका आईएमडी रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को 86% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। बॉक्स ऑफिस बजट की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक सुपरहिट मूवी साबित हुआ था। नंबर 21 में बात करते हैं नितिन की मूवी सिन्ना दाना नी कसम की। तो दोस्तों मूवी सिन्ना दाना नी कसम जो 2014 को रिलीज हुआ था ये भी एक रोमांटिक मूवी थी, आईएमडी रेटिंग की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को 5.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला था और इस फिल्म को 88% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। बॉक्स ऑफिस बजट की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज मूवी साबित हुआ था। नंबर 22 में बात करते हैं नितिन की मूवी कुरियर बॉय कल्याण की। तो दोस्तों मूवी कुरियर बॉय कल्याण जो 2015 को रिलीज हुआ था एक रोमांटिक मूवी थी, आईएमडी रेटिंग की अगर बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म की आईएमडी रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को 84% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। हालांकि दोस्तों ये फिल्म तेलुगु यानी टॉलीवुड इंडस्ट्री पे फ्लॉप तो साबित हुआ था, लेकिन दोस्तों जब ये फिल्म यूट्यूब पे रिलीज किया गया था बहुत ही पसंद किया था और यूट्यूब पे इस फिल्म को एक ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। नंबर 23 में बात करते हैं नितिन की मूवी आ की। तो दोस्तों आ मूवी जो 2016 को रिलीज हुआ था और इस फिल्म की आईएमडी रेटिंग की अगर बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म का आईएमडी रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को 81% गूगल यूजर ने
लाइक किया था। बॉक्स ऑफिस बजट की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुआ था। नंबर 26 में बात करते हैं मूवी लाई की, तो दोस्तों मूवी लाई नितिन की मूवी जो 2017 को रिलीज हुआ था एक एक्शन थ्रिलर मूवी थे। IMDb रेटिंग की अगर बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म की IMDb रेटिंग थे 5.9 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को 89% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। बॉक्स ऑफिस बजट की अगर बात की जाए तो दोस्तों यही से तो मूवी यूट्यूब पे धमाल मचा दिया था, लेकिन दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फ्लॉप मूवी साबित हुआ था। नंबर 25 में बात करते हैं नितिन की मूवी सलमान रंगा की, तो दोस्तों मूवी सलमान रंगा जो 2018 को रिलीज हुआ था एक रोमांटिक मूवी थी। IMDb रेटिंग की अगर बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को 90% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। हालांकि दोस्तों जब ये फिल्म यूट्यूब पे आई बहुत ही पसंद किया गया था, लेकिन दोस्तों एक्चुअली जब ये फिल्म रिलीज हुए थे तेलुगु इंडस्ट्री पे तो दोस्तों तेलुगु इंडस्ट्री पे बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म फ्लॉप साबित हुआ था। नंबर 26 में बात करते हैं मूवी श्रीनिवास कल्याणम की, तो दोस्तों मूवी श्रीनिवास कल्याणम जो एक रोमांटिक मूवी थे जो 2018 को रिलीज हुआ था। IMDb रेटिंग की अगर बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को 89% गूगल यूजर ने लाइक भी किया था। बॉक्स ऑफिस बजट की अगर बात की जाए तो दोस्तों मूवी ऐसे तो एवरेज हुए थे, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को यूट्यूब पे बहुत ही पसंद किया गया था। नंबर 27 में बात करते हैं मूवी भीष्मा की, तो दोस्तों भीष्मा मूवी जो एक रोमांटिक लव स्टोरी मूवी है 2020 में रिलीज हो चुके थे। IMDb रेटिंग की अगर बात की जाए तो दोस्तों भीष्मा मूवी के IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर ने लाइक किया है। बॉक्स ऑफिस बजट की अगर बात की जाए तो दोस्तों भीष्मा मूवी ऑलरेडी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वाला मूवी हो चुके थे तेलुगु यानी टॉलीवुड इंडस्ट्री पे। तो दोस्तों आपका है क्या राय इन फिल्मों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस तरह के बॉक्स ऑफिस खबरें के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को प्लीज एक लाइक करें। तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।